स्टूडेंट्स, आज हम इसमें चैप्टर फिफ्थ की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर्स कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। क्लॉथ के एक मोटी लेयर को पहनने की तुलना में गर्म सर्दियों के दौरान हम क्लॉथ की बहुत सारी लेयर को पहनते हैं, क्यों, इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर बियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स। अब विंटर के दौरान क्या होता है कि हम क्लॉथ की एक मोटी लेयर को पहनने की तुलना में क्लॉथ की बहुत सारी लेयर को पहनना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि क्लॉथ की जो बहुत सारी लेयर होती हैं उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। बींग ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और इस तरीके से हीट का पुअर कंडक्टर बन जाने की वजह से क्या होगा, एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आउट बॉडी, और इस तरीके से जो एयर है वो हमारी बॉडी से हीट को ट्रांसफ़र होने से प्रिवेंट कर देती है। हेंस लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर। इस तरीके से क्लॉथ की काफ़ी सारी जो लेयर होती हैं वो हमें वार्मर रखती हैं एज़ कंपेरिजन टू अ सिंगल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लुक एट फिगर, यहाँ पर एक फिगर दे रखी है ये है, और इस फिगर को देखकर क्या बताना है, यहाँ पर तीन बातें पूछी जा रही हैं। मार्क करना है वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कि कहाँ पर हीट जो है वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पर हीट बाय कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, और कहाँ पर ये हीट रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज बाई रेडिएशन। बर्नर से पैन की तरफ हीट का जो ट्रांसफ़र है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज बाई कंडक्शन, और पैन से वाटर की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाई कंडक्शन, और पानी में हीट, पानी में से हीट का ट्रांसफ़र वो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो ये है यहाँ पर इस तरीके से बर्नर से पैन की तरफ हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ये यहाँ पर दूसरा एक पैन दे रखा है, इस पैन से जो पैन से वाटर की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, और इस वाटर से हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर तीनों को मार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। अब जहाँ हॉट क्लाइमेट होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, ऐसी जगह पर क्या एडवाइस किया जाता है कि जो हाउस है उसकी जो वॉल हैं वो वाइट कलर से पेंट करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है उसको यहाँ पर आपसे एक्सप्लेन कराया जा रहा है। और ऐसी जगह पर क्या होता है, ऐसा एडवाइस इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लाइट कलर होते हैं, या इसके लाइट कलर में जैसे मान लीजिए वाइट कलर है, वो क्या करता है कि ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है अपनी वॉल से। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है कि लाइट कलर जो है वो हाउसेस को क्या करेगा, कूल रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन दी जा रही हैं। पहली कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि पानी मतलब एक ऐसा पानी है जिसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस का है, और दूसरा 1 लीटर पानी ऐसा है यहाँ पर जिसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। और इन दोनों वाटर को क्या किया गया है, मिक्स कर दिया गया है, यानी कि इनका मिक्सचर बना दिया गया है। तब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इन दोनों वाटर को मिलाने से इसका जो मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एन आयरन वॉल 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक आयरन की बॉल है जिसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है,
और उसको एक ऐसे मग के अंदर डिप करा किया जा रहा है, उस मग के अंदर भी क्या है 40 डिग्री सेल्सियस का वाटर उसके अंदर फिल है, मतलब उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको वहाँ पर डिप किया जा रहा है। तब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या इफेक्ट होगा। द हीट विल नॉट फ्लो आयरन बॉल्स टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एज बोथ द सब्सटेंसेस हैव सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या है कि जो आयरन बॉल है उस आयरन बॉल से हीट वाटर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी और इस तरीके से वाटर से हीट आयरन बॉल की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों ही सब्सटेंसेस का जो टेम्परेचर है वो सेम है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए वुडेन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स आउटर एंड। अब यहाँ पर एक लकड़ी की स्पून है, इसको एक आइसक्रीम के कप के अंदर डिप किया जाता है, तब इसके दूसरे एंड पर क्या इफेक्ट होगा? डज नॉट बिकम कोल्ड। तो ये कोल्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो वुड है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, इसलिए हीट जो है वो यहाँ से, मतलब जो आइसक्रीम का टेम्परेचर है वो वुडेन स्पून के दूसरे एंड तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये जो वुड होती है वो पुअर कंडक्टर है इसलिए हीट की। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, स्टीनलेस स्टील पैंस आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स द रीजंस फॉर दिस कुड बी दैट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टीनलेस स्टील के जो पैंस होते हैं उनका जो बॉटम है वो कॉपर से वहाँ पर पेंट कर दिया जाता है, या फिर वहाँ पर कॉपर क्या है प्रोवाइडेड की जाती है, और इसका रीज़न पूछा जा रहा है ऐसा क्यों किया जाता है। द कॉपर इज़ ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टीनलेस स्टील, क्योंकि जो कॉपर है वो स्टीनलेस स्टील के कंपैरिजन में हीट की बेटर कंडक्टर है इसलिए। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, और नेक्स्ट यानी कि कल से हम जो हमारा फिफ्थ चैप्टर जो बीच में है रह गया है उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।